पुणे पोर्श कार हादसे में पुलिस ने अब एक और नया खुलासा किया है। उसके मुताबिक हादसे के बाद जांच के दौरान नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां शिवानी अग्रवाल के साथ बदल दिया गया। नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को जांच के लिए पुणे के ससून अस्पताल भेजा गया था। ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ करने और बदलने की खबर पहले भी आई थी, लेकिन तब ये नहीं पता चला था कि नाबालिग की मां ने ही ऐसा किया होगा। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद आरोपी मां शिवानी अग्रवाल फरार है। ब्लड सैंपल बदले जाने के आरोप में ससून अस्पताल के दो डॉक्टरों डॉक्टर श्री हरि हेलनोर और डॉक्टर अजय तावड़े को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर हेलनोर ने आरोपी का ब्लड सैंपल लिया था। वहीं डॉक्टर तावड़े अस्पताल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। उन पर आरोप है कि उनके निर्देश पर ही ब्लड सैंपल बदल दिया गया था। सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर हेलनोर को 3 लाख रुपए मिले थे। कोर्ट में पुणे क्राइम ब्रांच ने बताया कि 19 मई को दोनों डॉक्टरों और एक सफाई कर्मचारी ने आरोपी के ब्लड सैंपल को सीरिंज में लिया था और उसे फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसके दबाव में ये सब किया गया। क्राइम ब्रांच ने रिकॉर्ड्स का जिक्र कर बताया कि नाबालिग के पिता और डॉक्टर तावड़े के बीच व्हाट्सएप कॉल पर बात हुई थी। अब तक पुलिस ने 3 लाख रुपए बरामद करने का दावा किया है। घटना के बाद कार में मौजूद दो और लोगों के ब्लड सैंपल को भी बदला गया था। इन दोनों का सैंपल उनके भाई और पिता के साथ बदला गया। 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसी रिपोर्ट में ये जानकारियां सामने आई हैं।